गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सभी कैसे हैं? और हम इस समय आए हैं सानेवाल, और ये गांव है। तो यहां पे आए थे घूमने के लिए, तो सोचा कि यहां पे भी थोड़ा वीडियो बना लें गांव का। और इधर खेत वोत है, देख लीजिए, इधर जिधर भी नज़र घुमाएंगे खेती खेत नज़र आएगा। और आइए आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं, ये देख लीजिए। आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे खेती खेत नज़र आएगा। और इधर बहुत शांति जगह है, हल्ला गुल्ला नहीं है, सुनसान एरिया है, ये देख लीजिए। इधर ईंट का चिमनी भी है, जहाँ पे ईंट बनता है, भट्ठा जिसको बोलते हैं। इधर दो चिमनी दिखाई दे रहा है, कि सामने है एक, उधर काफ़ी दूर है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, एक देख लीजिए, एक ये है चिमनी और एक ये है, ये देख लीजिए। हवा चल रहा है इसलिए, और धूप भी काफ़ी तेज है, वीडियो साफ नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए। देख लीजिए, एक गेहूं लगा हुआ है, और इधर भी एक चिमनी है, ये देख लीजिए सामने। उधर भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे ईंट निकाला जाता है, पाथा जाता है, जो ईंट की पथाई करते हैं, वहाँ का भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और ये देख लीजिए, गेहूँ लगा हुआ खेत में, गेहूँ का सीजन चल रहा है, और कहीं कहीं पे गेहूँ फूट भी गया है, अभी पका नहीं है, कच्चा है, दो चार महीने में ये गेहूँ तैयार हो जाएगा। आपको पास से दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, गेहूँ फूट गया है, इधर देखिए, अभी पका नहीं है, कच्चा है, ये जो है गेहूँ फूट गया है, लेकिन अभी पका नहीं है, कच्चा है, दो चार महीने में तैयार हो जाएगा। और कहीं कहीं पे सरसों भी जमा हुआ, देख लीजिए, जो सरसों का तेल जो होता है ना, वही सरसों गांव में बोलते हैं सरसों इसको। और यहाँ पर भी शायद सरसों नहीं कहते हैं, कोई कोई कहता है, बाकी लोग कहते हैं राइस, राइस का तेल, हम लोग गांव में सरसों का तेल कहते हैं, यहाँ पे राइस का तेल कहते हैं। देख लीजिए, खेते खेत है, हर जगह गेहूं लगा हुआ है खेतों में। और आइए, एक चीज़ आप लोग को हम दिखा रहे हैं, शायद आप लोग इससे पहचानते होंगे, देख लीजिए। और ये जो रोड है, कच्ची रोड है, मिट्टी ही मिट्टी है, और इसी रोड से मैं आया हूँ, मैं इधर से आया हूँ, ये जो इधर है रोड है, इधर से मैं आया हूँ। और सानेवाल जो शहर है, यही रोड चला जाएगा शहर में, जो शहर है सानेवाल का, मैं इस रोड से आया हूँ इधर से।
और मैं इधर चल रहा हूँ। देखिए कच्ची सड़क है और आइए आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, आप लोग इसे पहचानिए ये क्या है, फिर आप लोग को हम बता रहे हैं ये क्या है। देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो मैं हाथ में लिया हूँ, ये जो ढेरी लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है देख लीजिए। चलिए आप लोग को हम बता देते हैं, ये जो धान होता है, चावल होता है, उसी का ये डंटली है। और गांव में इसको पुअरा बुलाते हैं, इसका नाम पुअरा है, गांव में पुअरा कह के बुलाते हैं। और ये चौओं को चारा खिलाया जाता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, उन लोगों के लिए चारा बनाया जाता है। इसको काटा जाता है मशीन से और इसके साथ हरा चारा भी रहेगा और ये रहेगा, दोनों मिला करके उसको काटा जाता है और चारा बना करके चौहों को जो होते हैं गाय भैंस उनको खिलाया जाता है। देख लीजिए सरसों जमा हुआ है लाइन से, आइए नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए सरसों जमा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख लीजिए फूल कितना अच्छा फूल लग रहा है, पीला पीला सा फूल है। और उधर शहर पड़ेगा, बीच में ये छोटा सा गांव है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुनसान एरिया है, हल्ला गुल्ला नहीं है। और देखिए पूरा रोड खाली है, सुनसान है और इधर भी रोड खाली है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जो भी हमारे भाई हमारे चैनल में नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग के पास पहुंच जाएगा।